हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी पकोड़े की रेसिपी। ये पत्ता गोभी और प्याज से मिलाकर हमने बनाया है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर कमेंट करता है वीडियो पर, मैं उनको सबको सब्सक्राइब कर लेती हूँ प्लीज़, इसलिए आप भी कर लें। थैंक यू। इसके लिए हमें एक पत्ता गोभी लेंगे और पतला पतला काट के तैयार करेंगे। पत्ता गोभी हम पूरा नहीं काटेंगे फ्रेंड्स, जितना हमको चाहिए उतना ही काटेंगे, और पीछे वाले भाग को अलग रख देंगे क्योंकि वो हार्ड होता है। हमने पत्ता गोभी काट के तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हम धनिया पत्ती लेंगे। हमने धनिया पत्ती को पहले ही धोकर साफ़ कर लिया था, अब बारीक काट लेंगे। धनिया पत्ती फ्रेंड्स हमने थोड़ी ज़्यादा ही काटी है क्योंकि इसमें भजी में अच्छी लगती है। अब फ्रेंड्स, हम स्वाद के अनुसार काटेंगे हरी मिर्च, जितना तीखा आप लें उतना हरी मिर्च काटें। हमने मिर्ची को काट के तैयार कर लिया है। अब हम प्याज को बारीक बारीक काट के तैयार करेंगे फ्रेंड्स। प्याज को हम लंबे लंबे टुकड़ों में काटेंगे। तो प्याज को हमने स्लाइस में काट लिया, अब उनको इस खोल लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम एक बर्तन लेंगे और बेसन को निकालेंगे। हमने बेसन को निकाल लिया है। हमने फ्रेंड्स 2 कटोरी बेसन लिया है, उसमें हम 1/4 कटोरी आटा डालेंगे। इससे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों से क्रश करके डालेंगे अच्छे से। 1/2 चम्मच जीरा लेंगे, जीरे को भी हाथों से क्रश करेंगे और डाल देंगे। उसके अनुसार नमक डालेंगे। 1/4 चम्मच पिसा हुआ हींग पाउडर डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच कुटा हुआ मिर्ची पाउडर डालेंगे। सभी सामग्री को सूखा ही मिला लेंगे पहले अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और अच्छा घोल बना के तैयार करेंगे। घोल हम बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे फ्रेंड्स। हमें आपको दिखाऊंगी कितना करना है। घोल हमारा बन के तैयार है फ्रेंड्स। इसको खूब हमने फेंट लिया है क्योंकि भजिए के घोल को जितना भी फेंटेंगे फ्रेंड्स, उतने ही अच्छे भजिए बनते हैं, उतने ही टेस्टी लगते हैं। अब कटी हुई मिर्ची डालेंगे, मिला देंगे। अब कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और अच्छे से मिला देंगे। अब कटा हुआ पत्ता गोभी डालेंगे और मिलाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सभी सामान को डालकर घोल में अच्छे से मिला लिया है। अब हमारा भजिए का घोल बनके बिल्कुल तैयार है फ्रेंड्स। अब हम भजिए बनाना शुरू करेंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम छोटे छोटे पकौड़े डालेंगे हाथों से। फ्रेंड्स, हमने अभी प्याज को नहीं डाला है। हम आधे पकोड़े बिना प्याज के बनाएंगे, आधे पकोड़े प्याज वाले बनाएंगे। एक बार में जितने पकोड़े आएंगे हम उतने ही डालेंगे। अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। पकोड़े हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। अब हम बेसन के घोल में प्याज को मिलाएँगे। प्याज को डाल के अच्छे से मिला लेंगे एक बार। और अब हम प्याज वाले पकौड़े भी बना लेंगे। सभी पकौड़ों को डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, हमने पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, अब हम इनको निकाल लेंगे। हमने सभी पकौड़ों को निकाल लिया है। पकौड़ों को गर्मा गर्म सर्व करेंगे फ्रेंड्स। आप चटनी, सॉस या किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनकर तैयार हैं पत्ता गोभी और प्याज के। हमने अलग अलग बनाए और इसके लिए हमने स्पेशल चटनी बनाई है टमाटर, छोटे वाले टमाटर की, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और धनिया पत्ती डाली हमने इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।